नमस्कार, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल मैथिन हिंदी में। हरियाणा का रण क्षेत्र भाग 10 है। इसमें हमने नेक्स्ट 10 क्वेश्चनों को इंक्लूड किया है जो कि हरियाणा गवर्नमेंट के सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। और आज का पहला क्वेश्चन है, मूलचंद जैन जो हरियाणा के महात्मा गांधी के नाम से भी जाने जाते हैं, वो कहाँ से थे? चार ऑप्शन है आपके पास, करनाल, भिवानी, सोनीपत और कैथल। और इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा सी, सोनीपत। मूलचंद जैन सोनीपत जिले से थे। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन स्थल फरमाना खास हरियाणा के किस वर्तमान जिले में है? चार ऑप्शन है आपके पास, फतेहाबाद, रोहतक, हिसार, भिवानी। हड़प्पा कालीन स्थल फरमाना खास वर्तमान रोहतक जिले में है, तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन, हरियाणा का कौन सा स्थान पुष्पभूति वंश की राजधानी रहा था? चार ऑप्शन है, अग्रोहा, टोपरा, थानेसर और अस्थल बोहर। और इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा सी, थानेसर। थानेसर था जो पुष्पभूति वंश का राजधानी रहा था हरियाणा में। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन, कि सन 1798 में जॉर्ज थॉमस का किस जींद के राजा के साथ युद्ध हुआ था? 1798 में जॉर्ज थॉमस जो जिनकी राजधानी हांसी में थी उनके साथ जींद के राजा का युद्ध हुआ था, तो किसके साथ हुआ था? चार ऑप्शन है, भाग सिंह, जयपाल, विक्रमजीत और महेंद्रपाल। और क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा भाग सिंह। भाग सिंह के साथ, भाग सिंह जींद के शासक थे और उनके साथ 1798 में जॉर्ज थॉमस ने जब जींद पर आक्रमण किया था और भाग सिंह को हराकर जींद पर अधिकार कर लिया था, तो भाग सिंह के साथ ये युद्ध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा, अंग्रेजों ने हरियाणा को उत्तर पश्चिम से हटाकर कब पंजाब में मिलाया था या कब विलय किया था? मतलब अंग्रेजों ने जो हरियाणा का विलय था वो उत्तर पश्चिमी भाग से हटाकर कब किया था? तो ये हमें पता है कि 1757 की क्रांति के बाद ये किया गया था, पर यहाँ से आपसे पूछा गया कि एग्जैक्ट क्या था, जनवरी 1800, हमें ये पता है कि 1857 की क्रांति के बाद हरियाणा को उत्तर पश्चिम भाग से हटाकर पंजाब में विलय कर दिया था या पंजाब प्रांत बना दिया गया था। तो क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ये जो विलय अंग्रेजों के द्वारा किया गया था ये जनवरी 1858 में किया गया था, फरवरी 1858 में, अप्रैल 1858 में या फिर मई 1858 में? और इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा बी, फरवरी 1858 में अंग्रेजों ने हरियाणा को पंजाब प्रांत का हिस्सा बनाया था। नेक्स्ट छठा क्वेश्चन, नवाब जाबिद खान से 1818 में अंग्रेजों ने कौन सी रियासत छीनी थी? चार ऑप्शन है, लाडवा, छछरौली, रानिया और थानेसर। नवाब जाबिद खान जो कि जिनकी रियासत थी रानिया, और इनसे 1818 में रानिया रियासत छीनी गई थी। ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि रानिया रियासत के राजा कौन थे, तो अब आपका आंसर रहेगा नवाब जाबिद खान, क्योंकि इनसे ये रियासत छीनी गई थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार दोनों एंगल से पूछा जा चुका है। नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन, अंग्रेजों के विरुद्ध 1814 में जींद के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? और इस क्वेश्चन के चार ऑप्शन है, प्रताप सिंह, जाबिद सिंह, अजीत सिंह और गुलाब सिंह। जींद का जो 1814 में विद्रोह हुआ था और उसका जो नेतृत्व किया था वो किया था प्रताप सिंह। क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए, प्रताप सिंह। नेक्स्ट आठवां क्वेश्चन, चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर दिल्ली के बैंक में डकैती करने वाले हरियाणा के क्रांतिकारी लेख राम शर्मा कहां से थे? चार ऑप्शन है, रोहतक, भिवानी, हिसार और झज्जर। जो लेख राम शर्मा थे वो, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा हिसार। वैसे ये हिसार से थे, पर उस टाइम जब चंद्रशेखर आजाद के साथ जो दिल्ली में बैंक लूटा गया था तब वो रोहतक में थे, वहाँ से वो चंद्रशेखर आजाद के संपर्क में थे और उसके बाद वो इस
बैंक को लूटने के लिए, डकैती करने के लिए गए थे, पर जो लेखराम शर्मा हैं वो हरियाणा के हिसार से थे। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा गया है कि किस क्रांतिकारी ने इसमें हिस्सा लिया था, तो लेखराम ने, और ये कहाँ से थे, तो आपका आंसर रहेगा हिसार। नेक्स्ट नौवां क्वेश्चन देखते हैं। प्रदेश के किस स्थान को जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी बनाया था? चार ऑप्शन आपके पास हैं, हांसी, मेवात, रेवाड़ी और अग्रोवा। इसी वीडियो में मैंने स्टार्टिंग में आपको ये बताया भी था कि जॉर्ज थॉमस कहाँ पर थे, तो इनकी जो राजधानी थी वो हांसी थी, जो हमने पहले पढ़ा था कि इन्होंने जींद पर आक्रमण किया था, तब भी मैंने इस बात को आपको बताया था। तो ध्यान में रखना है कि जॉर्ज थॉमस ने जो अपनी राजधानी थी वो हांसी को बनाया था। नेक्स्ट दसवां और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, हर्षकालीन टोपरा स्तंभ अभिलेख में कौन सी भाषा है? चार ऑप्शन है, खरोष्टी, प्राकृत, संस्कृत और गुप्त अक्षर। और जो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा कि हर्षकालीन जो टोपरा स्तंभ था उसमें प्राकृत भाषा थी, तो बी ऑप्शन सही होगा। इस वीडियो में आपका जो भी स्कोर रहा वो जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आने वाले सभी हरियाणा गवर्नमेंट के एग्ज़ाम के लिए। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।